नमस्कार, आपका स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। कठुआ जिले के बिलावर क्षेत्र में पड़ने वाले डल बिजनोई इलाके में चार स्कूली छात्राएं बाढ़ में बह गई, एक नाले में आई। अचानक से बाढ़ में चार स्कूली छात्राएं बह गई और बड़ा दुखद इस समय का अपडेट सामने आ रहा है कि इनमें से दो छात्राओं के शव बरामद हो चुके हैं, यानी कि दो छात्राएं ऐसी हैं जिनकी इसमें मृत्यु हो चुकी है। बिलावर का डल बिजनोई ये इलाका है और जो जानकारी मिली है कि अचानक से वहां पर एक नाला है उसमें बाढ़ आ गई। जो पहाड़ी था ऊपरी क्षेत्रों का, वो पानी उस नाले में आ गया और उस समय ये चार स्कूली छात्राएं जो थी ये उस नाले के नजदीक थी और शायद उसे पार करने की कोशिश कर रही थी और उसी समय ये बाढ़ की चपेट में आ गई। पानी का बहाव काफी ज्यादा था शायद और उस बहाव में ये खुद को नहीं बचा पाई और ये चारों वहां पर बह गई। लेकिन इस समय तक दो के शव बरामद हो चुके हैं, बाकी दो के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। हम उनकी सलामती की दुआ करेंगे लेकिन परिस्थितियां जो हैं वो कुछ ज्यादा अनुकूल नजर नहीं आ रही हैं। बिलावर डिस्ट्रिक्ट कठुआ में पड़ता है और डल बिजनोई इलाका है जहां पर ये इस समय दर्दनाक हादसा पेश आया है, जहां पर ये चार स्कूली छात्राएं जो थी वो इस नाले में आई, बाढ़ या उफान की चपेट में आ गई और उसमें इनकी फिलहाल दो छात्राओं के जो शव हैं वो बरामद हुए हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मेरे पास इनके जो तस्वीरें हैं वो मौजूद हैं लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं, बहुत विचलित करने वाली ये तस्वीरें हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, डिस्ट्रिक्ट कठुआ का बिलावर ये इलाका है और उसमें डल बिजनोई एक क्षेत्र पड़ता है, वहां पर एक नाला है, उस नाले में अचानक से जो बाढ़ थी वो आ गई और ये छात्राएं उस समय उसके समीप थी और उसके बाद ये उस बाढ़ में बह गया। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन जो था वो तुरंत वहां पर लॉन्च किया गया, ये कोशिश की गई कि इन्हें वहां पर बचाया जाए लेकिन इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का जो रिजल्ट निकला उसमें सबसे दुखद ये चीज सामने आई कि दो शव जो थे वो बरामद हुए और बाकी के जो दो स्कूली छात्राएं इसमें बही हैं उनकी तलाश अभी जारी है। लेकिन जैसे कि अभी अंधेरा हो रहा है और रोशनी ज्यादा नहीं है तो ऐसे में अंधेरे के दौरान वहां पर तलाशी अभियान जारी रख पाना उतना संभव नहीं होता है क्योंकि पानी भी काफी ज्यादा रहता है और ऐसे अगर आप हिली टेरेन की बात करेंगे, अगर नाला है तो वहां पर किसी को ढूंढ पाना खासकर अंधेरे में उतना आसान नहीं है। तो अगर अब तक बाकी की जो दो छात्राएं बही हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी तो इस रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन को रात को हॉल्ट करना पड़ेगा, यानी कि रोकना पड़ेगा और दोबारा कल सुबह इसे स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट मैं ये कहूंगा, बहुत दुखद ये घटना है कि बिलावर के डल बिजनोई में चार स्कूली छात्राएं, जो कि इनिशियल जानकारी है क्योंकि अब तक पूरी जो कंफर्मेशन है वो नहीं मिल पा रही है। अगर इस डल बिजनोई के बारे में बात करूं तो बहुत फार फ्लंग एरिया है, दूर दराज का क्षेत्र है और क्योंकि वहां पर जो रोड सड़कें हैं, जो रोड नेटवर्क है वो शायद इतना बेहतर नहीं है, पुल जो है वो शायद नाले पर नहीं है, रास्ते जो है वो उतने बेहतरीन नहीं है और अगर मुझे लगता है कि अगर ये नाले को पार कर रही थी तो फिर नाले पर पुल नहीं था और शायद जिंदगी को जोखिम में डालना इनके लिए मजबूरी होगा और वही जोखिम कहीं ना कहीं शायद आज इनकी जिंदगी पर भारी पड़ा है। और अगर वाकई में नाले पर पुल ना होने के चलते ये चार स्कूली छात्राएं नाला पार कर रही थी तो इसमें मैं ये कह सकता हूं कि ये सवालिया निशान प्रशासन पर है, ये सरकारों पर निशान है कि क्यों इन क्षेत्रों में बेहतरीन रोड नेटवर्क नहीं है, रोड जो है वो वहां तक नहीं पहुंची और अगर पहुंची, अगर नाले हैं, नाला पार करना आम लोगों की मजबूरी है, जरूरत है, तो फिर उन नालों पर पुलिया क्यों नहीं बनाई जाती, क्यों इन लोगों को इस प्रकार से रिस्क लेकर नाला जो है वो पार करना पड़ता है और क्यों कभी कभी इनके साथ इस प्रकार के हादसे हो जाते हैं। तो चार स्कूली छात्राएं जो है वो डल बिजनोई के एक नाले में जो है वो बहने की खबर मिली है और उसके बाद जो सर्चिस वहां पर की गई तो उसमें दो के शव जो है वो बरामद हुए हैं। दो को लेकर अभी भी जो तलाशी अभियान है वो जारी है। बहुत दुखद है कि दो छात्राओं को जान गंवानी पड़ी है और दो अभी भी इस पूरे बाढ़ में लापता हैं। आप देखते रहे जम्मू लिंक्स न्यूज। नमस्कार।